कांग्रेस सांसद समेत विपक्षी दलों के कश्मीर कूच से सियासत में कोहराम मच गया है। जहां जम्मू कश्मीर प्रशासन के हाथ पांव फूले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल के इस कदम से बीजेपी में ही कड़वाहट पैदा हो गई है। कई नेता विपक्ष का विरोध कर इसे सियासी दौरा करार दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र रैना ने ऐसा बयान दिया है जो राहुल का समर्थन कर रहा है, जिससे बीजेपी में नई राड छिड़ गई है। जम्मू कश्मीर की स्थिति का जायजा लेने के लिए विपक्ष के विमान ने उड़ान क्या भरी कि इस पर घमासान छिड़ा। विवाद सरकार और विपक्ष से ज्यादा बीजेपी में खड़ा हो गया। जी हां, बीजेपी के तमाम नेता एक सुर में कांग्रेस सांसद समेत 9 विपक्षी दलों के 11 नेताओं के दौरे को सियासी बता रहे हैं, लेकिन पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र रैना ने इस पर विपक्ष का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां किसी नेता के कहीं आने जाने पर प्रतिबंध नहीं है। कोई कहीं भी जा सकता है और कोई कहीं भी आ सकता है। उनका ये बयान उस वक्त आया है जब जम्मू कश्मीर प्रशासन राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, सीपीआई के डी राजा, सीपीआईएम के सीताराम येचुरी, डीएमके के टी शिवा, एनसीपी के माजिद मेनन, आरजेडी के मनोज झा के दौरे की मुखालफत कर रहा है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि वरिष्ठ नेताओं को समझना चाहिए कि शांति व्यवस्था बनाए रखने और नुकसान को रोकने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशासन के इसी बयान के बाद माना जा रहा है कि विपक्षी नेताओं को श्रीनगर एयरपोर्ट से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, उनकी वहीं से दिल्ली वापसी होगी। अगर वाकई ऐसा होता है तो ये दूसरा मौका होगा जब विपक्ष का घाटी में विरोध किया जाएगा। इससे पहले भी जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने 2 बार कश्मीर जाने की कोशिश की थी, तब भी उन्हें उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा था। ऐसे में अब माना जा रहा है कि राहुल को भी प्रशासन वापस भेज देगा। इन्हीं खबरों के बीच अब बीजेपी नेता ने राहुल का समर्थन कर अपनी ही पार्टी को घेरा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।